हाय एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। हम लोगों ने क्लास प्लस टू का बायोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग लास्ट की जो टू यूनिट्स हैं उनको कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक हमको करना है। 10, 11, 12 हम कर चुके हैं, 13 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में। अभी तक जो हमने देखा है उसको देखने से पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। देखिए, अनअकैडमी प्लस आप लोगों के लिए कुछ नए कोर्सेज लेके आया है, पूरे कंप्लीट कोर्सेज जो 15 जून से स्टार्ट हुए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे बायलिंगुअल बैचेस भी आप लोगों को मिलेंगे, जो हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में आप कर सकते हैं। बायलिंगुअल बैचेस मिलेंगे 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा मेंस प्री की टेस्ट सीरीज के साथ। इंटरैक्टिव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मतलब पूरा होलिस्टिक वे में बायलिंगुअल लैंग्वेज का एक कोर्स हो रहा है स्टार्ट। एक कोर्स जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो रहा है। हिंदी मीडियम के जितने एस्पिरेंट्स हैं वो लोग अपना लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 से स्टार्ट कर सकते हैं। 15 जून 2020 से प्रारंभ हो रहा है। पूर्ण सिलेबस कवरेज होगा प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज विश्लेषण के साथ, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ होगा। समर्पित समाशोधन सत्र होंगे, इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाएगी। अब जो इंग्लिश स्पेशली जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए अलग से एक कोर्स जो 15 जून से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर फुल सिलेबस इंटरव्यू के साथ आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। तो देर ना कीजिए, आप लोगों को करना क्या होगा, रैंक 10 रेफरल कोड यूज करना है 10% डिस्काउंट लेने के लिए। साथ में आरती मैम की पर्सनल गाइडेंस के लिए और जितनी स्टैंडर्ड बुक है उनकी ईपीडीएफ लेने के लिए आपको रैंक 10 रेफरल कोड यूज करना है। कुछ भी डाउट है आपको प्लस के रिगार्डिंग या रैंक 10 के रिगार्डिंग, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप देखें, अगर आप 2 साल का यानी 24 मंथ्स की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 57,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, और 1 साल के लिए आपको 39,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जबकि जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे जाएंगे तो 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख रुपये आपके खर्च होते हैं। फिर पीजी का अलग खर्चा, खाने पीने का अलग खर्चा। यहाँ आप अपने घर में बैठे, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो अपने घर में सेफ रहिए और सेफ रहते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यूज़ रेफरल कोड रैंक 10। ठीक है, ये चैंपियनशिप के बारे में बता दूं मैं आपको। अनअकैडमी यूपीएससी का चैंपियनशिप यानी एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन की तरह एक एग्जाम लिया जाएगा आपसे। ये इस डेट को होने थे 21 जून वाले के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट फ्री होगा। यूज रेफरल कोड रैंक 10। एंड कुछ भी डाउट है आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में देखिए क्या किया था, हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देख रहे थे। हमने एप्लीकेशन देखा एग्रीकल्चर और मेडिसिन की, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी ने क्रांति ले आया है, रिवोल्यूशनरी काम किया है बायोटेक्नोलॉजी ने। एग्रोकेमिकल क्या होता है हम लोगों ने देखा था, जेनेटिकली मैनिपुलेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे इन बिल्ट बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल के अंदर बैक्टीरिया के जीन्स को यूज करके अंदर ही इंसेक्टिसाइड, अंदर ही पेस्टिसाइड्स को डाल दिया जाता है, पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे काम करता है, क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस, क्या होता है जीन साइलेंसिंग, क्या होता है आरएनए साइलेंसिंग। फिर हमने देखा था कि मेडिसिन की दुनिया के अंदर कैसे काम कर रहा है, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया, कैसे किया गया, इंसुलिन क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था। फिर बताया था जीन थेरेपी के अंदर इसका यूज़ होता है, जो भी जीन म्यूटेशन है, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो यूजिंग जीन थेरेपी हम 100% उसको क्योर कर सकते हैं। मॉलिकुलर डायग्नोसिस क्या था, बहुत ही अर्ली स्टेज पे किसी बीमारी का पता लगा के हम उसको क्योर कर सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, क्या उनका रूल्स है, क्या उनके यूजेज हैं, और एथिकल इशू कौन कौन से रिलेटेड हैं बायोटेक्नोलॉजी से, इन सब चीज़ों को हमने जाना था। आज के सेशन में हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन यानी हम बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ लेट अस मूव टू इकोलॉजी पार्ट ऑफ क्लास प्लस टू बायोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एनवायरनमेंट सीरीज के लिए। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 13 है बायोलॉजी की एनसीईआरटी का। देखिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसकी कुछ झलक हमने शंकर आईएएस एनवायरनमेंट सीरीज में भी देखी थी, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में शंकर आईएएस एनवायरनमेंट सीरीज कंप्लीट मिल जाएगी, आप वहां भी देख सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी थी। जो कुछ अलग चीज़ें हैं और इंपॉर्टेंट है मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, बाकी चीज़ों को हम रिवाइज करते चलेंगे। देखिए इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है हम देखते हैं। बहुत सारे आप देखोगे, ट्री भी है इसी धरती के ऊपर, वाटर भी है इसी धरती के ऊपर, एटमॉस्फेयर यानी एयर भी है इसी धरती के ऊपर, ह्यूमन भी रह रहे हैं, टाइगर भी रह रहे हैं, एलिफेंट्स भी रह रहे हैं, स्पैरोज भी रह रहे हैं, स्नेक्स भी हैं, मतलब बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं इस लैंड के ऊपर।
ठीक है, तो वो कैसे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मींस प्लांट कैसे एनवायरनमेंट को फायदा दे रहे हैं और कैसे एनवायरनमेंट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का जो रेसिप्रोकल रिलेशन है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या रेसिप्रोकल रिलेशन है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। जब भी शब्द आप समझे बायोटिक, यही नहीं किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में टर्म अगर बायोटिक यूज हो रही है, इसका मतलब होता है लिविंग बींग्स जैसे हम और तुम, और एबायोटिक का अगर कहीं पे यूज हो रहा है इसका मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको एबायोटिक कहते हैं, जैसे एयर, जैसे टेम्परेचर, जैसे सॉयल, ये सब क्या है, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं और ये बायोटिक है। मतलब बायोटिक प्लस एबायोटिक, ये दोनों मिलके कैसे एनवायरमेंट के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन में रह रहे हैं, इसे इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम के अलग अलग लेवल्स हमने, या मैं कहूँ ये लेवल क्या है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, सबसे पहला लेवल ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, थर्ड नंबर पे कम्युनिटी, देन फोर्थ, देन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। छह लेवल होते हैं ऑर्गेनिज्म के, 6 लेवल्स होते हैं, ठीक है, सभी को समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 6 लेवल है, पहला ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम एंड देन बायोस्फीयर। क्या होता है, कैसे होता है, इसे समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या होता है। आप यहाँ पे कोई एक स्पीसीज देख रहे हैं, ये अकेला स्पीसीज कैसे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सिंगल स्पीसीज लिया इंडिविजुअल, उसे हम ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये डियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई लायन भी हो सकता है, मतलब वो पर्टिकुलर वही सिंगल स्पीसीज उसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे, इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म कह दिया। जब इसी तरीके के मतलब सेम स्पीसीज का ग्रुप, यही डियर, नंबर ऑफ डियर्स जो है सेम स्पीसीज का ग्रुप, उसे क्या कह देंगे, पॉपुलेशन। जैसे एक इंसान कहीं पे है, इसे क्या कह दिया, इंडिविजुअल। जब यहाँ पे मल्टीपल ह्यूमन बींग्स आ गए, यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स का ग्रुप हो गया, उसे हम क्या कह देंगे, वो पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, पॉपुलेशन हो गई। अब तीसरा जो लेवल है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तीसरा जो लेवल है वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, अब इसके अंदर ना केवल ये सिंगल स्पीसीज रहा, मल्टीपल स्पीसीज आ गई। आप देख रहे हो जिब्रा भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ बफलोज भी दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ स्पैरोज भी दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनिज्म भी दिख रहे हैं। मतलब अब ग्रुप किसका है, डिफरेंट स्पीसीज का। यहाँ पे सिंगल स्पीसीज है, यहाँ पे सेम स्पीसीज का ग्रुप है, यहाँ डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप को क्या कहा है, कम्युनिटी कहा है। और जब ये कम्युनिटी अलग अलग लेवल पे इंटरेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट के साथ, उसको क्या कह दिया, इकोसिस्टम। इको मींस एनवायरनमेंट, कम्युनिटी और सिस्टम मतलब किस तरीके से सिस्टमैटिक वे में एयर के साथ, वाटर के साथ, सोयल के साथ, हवा, वायु, पानी, सभी के साथ कैसे इंटरेक्शन किया जा रहा है इन अलग अलग स्पीसीज का, उसको हम क्या कह देंगे, इकोसिस्टम। बायोस्फीयर क्या होता है आपको पता ही है, बायोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमोस्फीयर यानी एयर, लिथोस्फीयर यानी रॉक्स या आप कह दें सोयल, और हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर। इन तीनों से मिलके जो जोन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे हम जी सकते हैं, जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। हमें एयर भी चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए, हमें सोयल भी चाहिए, यानी हमको बायोस्फीयर चाहिए, जहाँ पे सब कुछ हो वो बायोस्फीयर हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में एक लेवल रह जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, बायोम, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बायोम। याद रखेंगे सबसे छोटा लेवल क्या है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल कह दे। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा क्या आ गया, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद क्या आ गया, कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद कौन सा लेवल आ जाएगा, बायोम। बायोम के बाद आ जाएगा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद आ जाएगा बायोस्फीयर। ये 6 लेवल होते हैं। क्लास प्लस टू की बुक में 4 ही दिए हुए हैं, ओरिजिन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। हम फोर्थ को देख लेते हैं, व्हाट इज बायोम। अब बायोम देखिए क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बेसिस पे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बेसिस पे जो अलग अलग लैंड के टुकड़े बंटते हैं उसे बायोम कहते हैं। जैसे ये पूरा एक लैंड है, इस लैंड को, इसको मान लो आप भारत है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हरियाणा है, यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। अब आप देखेंगे हरियाणा का टेम्परेचर और हरियाणा की ह्यूमिडिटी अलग है, राजस्थान का टेम्परेचर, राजस्थान की ह्यूमिडिटी अलग है, जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर, जम्मू कश्मीर की ह्यूमिडिटी अलग है। तो अब इस हिसाब से ये एक बायोम हो गया, ये सेकंड बायोम हो गया, ये थर्ड बायोम हो गया। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिवीजन ऑफ लैंड इज नॉन एज बायोम। कैसे, अलग अलग बायोम के नाम हमने पढ़े थे,
टुंड्रा क्या है, टाइगा क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है, डेजर्ट क्या है, इन सब चीज़ों को बायोम कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बेसिस पे अलग अलग हो रहे हैं। अब देखिए कैसे इसमें दिखाया हुआ है, अगर हम इधर जाते जा रहे हैं तो मॉइस्चर जो है वो कम होता जा रहा है, यानी रेन जो है वो कम होती जा रही है। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है। ये रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। फिर सवाना में जाओगे, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन ह्यूमिडिटी कम हो गई। फिर डेजर्ट में जाओगे, टेम्परेचर तो ज़्यादा है लेकिन ह्यूमिडिटी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम है। टुंड्रा में चले गए तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, मॉइस्चर जो है ठीक ठाक सा होएगा लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बेसिस पे जब लैंड के टुकड़े बांट दिए गए उसे क्या कह दिया, बायोम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा है कि लेवल क्या है, बायोम क्या है, कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है। इतनी बातें समझ आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल NIOS जो है नोट्स हैं वो अच्छे हैं NIOS के नोट्स, लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए। यूँ नहीं आप एक ही सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है आप किसी भी एक बुक को पकड़ लें, उसकी मल्टीपल टाइम रिविज़न करें, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ऑथर कोई भी है बहुत सारी चीज़ों को अपनी बुक में कंप्राइज कर लेता है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं है एनवायरनमेंट के पीछे पड़ गए तो शंकर भी पढ़ लिया आपने, NIOS भी पढ़ लिया आपने, इनसाइट का भी पढ़ लिया आपने और मटेरियल भी पढ़ लिया, कोई भी एक बुक पर रिलाई कीजिए, ठीक है। और बेस्ट बुक हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, NCERT तो मस्ट है और सेकंड नंबर शंकर IAS। अब देखिए ऑर्गेनिज्म और इसके एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। हमने शंकर IAS की सीरीज के अंदर एक शब्द पढ़ा था नीश। नीश क्या होता है, कोई भी यूनिक फीचर। यूनिक फीचर मतलब ये कोई अगर ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा गर्मी में ही रह सकता है, यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज पे ही ये रहेगा। यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर में ही रहेगा, बहुत ज़्यादा स्नो लैंड पे ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, इनका नीश अलग अलग है, इसका कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है टेम्परेचर को लेके, इसका कुछ और फीचर है टेम्परेचर को लेके। तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हैबिटेट के बेस पे ऑर्गेनिज्म अलग अलग बटे हुए हैं, फूड के बेस पे ऑर्गेनिज्म अलग अलग बटे हुए हैं, टेम्परेचर और मेटिंग के बेस पे ऑर्गेनिज्म अलग अलग बटे हुए हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हैबिटेट नीश, फूड नीश। ये सब नीश का क्या मतलब है, कोई भी यूनिक फीचर जो उनको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है। अगर हैबिटेट के बात करोगे तो आप कुछ ऐसे हैं जो केवल पानी में ही रहेंगे जिसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कह देंगे, कुछ ऐसे हैं जो केवल टुंड्रा एरिया के अंदर ही रहेंगे, टुंड्रा मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है जहाँ पे स्नो कवर आया हुआ है, जैसे पेंगुइन, जैसे पोलर बियर, उनका हैबिटेट अलग है। कुछ ऐसे हैं जो डेजर्ट में ही रहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कैमल जो डेजर्ट के अंदर अच्छी तरीके से अपना हैबिटेट बनाते हैं। तो मतलब रहने के स्थान पे, उनके लिविंग कंडीशन के स्थान पे हैबिटेट अलग अलग होता है, जिसे हैबिटेट नीश कह दिया। और सभी का नीश अलग है, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का नीश सेम नहीं होगा। फूड की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे हैं जो बेंथिक चीज़ों को खा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल चीज़ों को खा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं मतलब जो डेड और डिकेइंग पार्टिकल्स को खाते हैं। तो सबकी फूड की हैबिट भी अलग है ना, कुछ कार्निवोर हैं, कुछ ओमनिवोर हैं, कुछ हर्बीवोर हैं। तो सबका फूड के आधार पर भी सबका डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होता है। टेम्परेचर का जैसे मैंने आपको बताया, कोई डेजर्ट लैंड पे रह रहा है यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्नो कवर में रहते हैं। मेटिंग, कुछ लोग मेट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कोल्ड कंडीशन में मेट करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो हॉट कंडीशन में मेट करेंगे। तो सबकी मेटिंग फीचर अलग अलग है, कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सबकी मेटिंग चीज़ें अलग अलग हैं। तो ऑर्गेनिज्म और इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग उनका नीश है, अलग अलग उनके फीचर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनकी हैबिट्स हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड को हमने समझ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हैबिटेट को अलग बनाती हैं, जो सबके लिविंग कंडीशन को अलग बनाती है। हैबिटेट का मतलब रहने का स्थान, जो सबके हैबिटेट को डिफरेंट बनाते हैं, सबके लिविंग कंडीशंस को अलग बनाते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं जो हैबिटेट को इफेक्ट करते हैं।
एबायोटिक का मतलब ऐसे कौन कौन से नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे एयर, टेम्परेचर, सोयल, ह्यूमिडिटी, लाइट, ऐसे कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं जो हैबिटेट को इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सोयल, मृदा, मिट्टी, टेम्परेचर, तापमान, लाइट, प्रकाश, वाटर, जल, ठीक है। ये सारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो किसी के रहने के स्थान को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे हाई टेम्परेचर पे रह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बहुत सैंडी सॉइल में रहते हैं, कुछ क्ले सॉइल के अंदर रहते हैं। तो कैसे ये एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं, अब इसको समझते हैं। यहाँ से वो भाग शुरू हो गया है जो आपके शंकर आईएएस की बुक में नहीं है, इट इज ओनली इन एनसीईआरटी। ना तो ये एनआईओएस में मिलेगा, ना कोई कहीं और मिलेगा, ये सिर्फ एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम टेम्परेचर कैसे किसी का हैबिटेट डिसाइड करता है, किसी का हैबिटेट कैसे टेम्परेचर डिसाइड करता है। टेम्परेचर के वेरिएशन के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है कैसे। सबसे पहले यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल, थर्म से आप समझेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर, यूरी का मतलब होता है वाइड, यूरी का मतलब होता है वाइड। यहाँ पे भी थर्मल का टेम्परेचर क्या हो गया, थर्मल का मीन्स हो गया टेम्परेचर, और स्टीनो का मतलब होता है नैरो, स्टीनो का मतलब हो गया नैरो। यूरीथर्मल कैसे ऑर्गेनिज्म है जो वाइडर टेम्परेचर रेंज में रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोग है, डोग है। आप जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हैं, अगर नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं, जहां पे भी आप रह रहे हैं, सोच के देखिए, डोग है। ये जैन के मौसम में भी रहता है, जनवरी में भी रहता है, जब टेम्परेचर 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस है। ये जून जुलाई के माह में भी रह रहा है, जहाँ टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। तो डोग कैसा है, जिसकी जो टॉलरेशन पावर है ना, जो बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, यूरी थर्मल। यूरी थर्मल, जिनकी टॉलरेशन पावर ज्यादा है। आप देखो कहाँ तो 1 डिग्री सेल्सियस, कहाँ 43 डिग्री सेल्सियस, और ये आराम से एग्जिस्ट करते हैं दोनों ही डिग्री पे। तो यूरी थर्मल क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड टेम्परेचर रेंज के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कैट है, टाइगर है, डॉग है, काउ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप देखते हैं। स्टीनो थर्मल क्या होता है, जिसकी रेंज जो है नैरो है। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स, आप देखोगे पेंगुइन्स, पोलर बियर, ये कहाँ लाई करेंगे, ये सिर्फ ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर लाई करेंगे जहाँ पे स्नो कवर होता है। कोरल रीफ, कोरल रीफ 25 से 27 डिग्री सेल्सियस पे ही रह सकती हैं। 27 डिग्री से ज़्यादा हो गया टेम्परेचर तो डेथ हो जाएगी, 25 से कम हो गया तो डेथ हो जाएगी। मतलब बहुत कम टेम्परेचर की रेंज के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत जल्दी खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते, इन्हें स्टीनो थर्मल कहते हैं। समझ आई आपको बात, व्हाट इज यूरी थर्मल एंड व्हाट इज स्टीनो थर्मल। 11th की बायोलॉजी का नहीं करना है हमें, जो करना है बायोलॉजी से रिलेटेड एनसीईआरटी वो यहीं पे कवर हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आई आपको बात, व्हाट इज स्टीनो थर्मल एंड व्हाट इज यूरी थर्मल। तो बताइए मुझे पेंगुइन्स क्या है, पेंगुइन्स क्या है, स्टीनो थर्मल है या यूरी थर्मल है, फटाफट से बताइए। पेंगुइन्स क्या है, स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल, क्विक एस और ई लिख देना। अगर आपका आंसर स्टीनोथर्मल है तो एस लिख देना, और यूरीथर्मल है तो ई लिख देना। मेरा क्वेश्चन है पेंगुइन्स क्या है। स्टीनोथर्मल, वेरी नाइस, क्योंकि बहुत नैरो रेंज के अंदर ही एग्जिस्ट कर पाते हैं। अब देखो इंसान की अगर हम बात करें, व्हाट अबाउट ह्यूमन, अगर हम खुद की बात करें, अब चाहे आप जनवरी माह में अपना बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापोगे तब भी वो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। आप अगर जून के माह में अपनी बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापोगे तो भी वो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इंसान की अगर हम इंटरनल की बात करें, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम कैसे हैं, हम स्टीनो थर्मल हैं। इंटरनली हम स्टीनो थर्मल हैं, लेकिन एक्सटर्नली हम यूरी थर्मल हैं। एक्सटर्नली यूरी थर्मल का मतलब क्या हो गया, हम जनवरी के माह में भी रह सकते हैं, हम जून के माह में भी रह रहे हैं, ठीक है। तो इंसान जो है एक्सटर्नली अगर हम देखें तो वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, गर्मी में भी रह रहा है, सर्दी में भी रह रहा है, वो यूरी थर्मल है। लेकिन अगर बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो वो क्या है, वो स्टीनो थर्मल है, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन को हमने समझा। ये बात हो गई टेम्परेचर, जो एक एबायोटिक फैक्टर था, वो कैसे इफेक्ट डालता है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहा है, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। सोयल की अगर हम बात करें, सोयल कैसे किसी के हैबिटेट को डिसाइड करती है, सोयल क्यों इंपॉर्टेंट है। सोयल इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर, वाटर को पकड़ के रखती है,
रूट्स पकड़ के रखती है प्लांट के, जिसकी वजह से प्लांट इधर उधर नहीं गिर सकते। शेल्टर प्रोवाइड करती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, जैसे अर्थवर्म, आपको पता है बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, मतलब उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है। इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्लांट ग्रोथ, कहीं पे प्लांट ग्रोथ ज़्यादा है तो वहाँ पे हर्बीवोर ज़्यादा होंगे, कहीं पे प्लांट ग्रोथ बहुत कम है, मतलब जहाँ पे प्लांट नहीं है वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरोफिटिक चीज़ें होंगी, वहाँ पे जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ के बेसिस पे, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे। कैसे और क्या होगा ये देखिए। सोयल को किस किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, सोयल का पार्टिकल साइज कैसा है, सोयल का परकोलेशन कैसा है। परकोलेशन मतलब क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का, वाटर का सोयल के पार्टिकल्स के बीच में से होते हुए नीचे तक जाना, परकोलेशन कहलाता है। टेक्सचर कैसा है सोयल का, साइज क्या है, कितनी क्ले है उसके अंदर, कितना सैंड है, कितना सिल्ट है। वेदरिंग प्रोसेस मतलब किस प्रोसेस से सोयल का फॉर्मेशन हुआ है, डेवलपमेंट प्रोसेस, उसके अंदर कितने आपने अर्थवर्म ऐड किए हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे किया है, सोयल का पीएच कंसंट्रेशन कैसा है, इन बेसिस के आधार पे सोयल को क्लासिफाई किया जाता है। कैसे सोयल क्लासिफाई होती है, क्या क्या नाम है उनके, मेजर ये तीन देखिए आप, सैंडी सोयल, क्ले सोयल एंड लोमी सोयल, या आप कह सकते हो इसको इट इज नियर टू सिल्ट, ठीक है। सैंडी सोयल कैसी होती है, जिसको आप अगर टच करोगे ना, जिसमें कंकर जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, सोयल सैंडी सोयल जिसके अंदर बजरी में कह दूँ, जिसके अंदर कंकर जो है वो ज़्यादा होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सैंडी सोयल। आप टच करके उसे देख सकते हो कि इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स नहीं है, मोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब इसके जो पार्टिकल होंगे वो बड़े बड़े होंगे, और जिसकी वजह से स्पेस जो है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो ज़्यादा है, आप देख पा रहे हैं ये सैंड साइज है। अगर हम बात करें क्ले की तो बहुत ही फाइन होगी, मतलब उसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, आप देख सकते हो, सो स्मॉल यू कांट सी एनी स्पेस, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि जिनके बीच में आप स्पेस नहीं देख पा रहे हो, इसे क्ले सोयल कहा है। अगर हम बात करें लोमी सोयल की या नियर टू सिल्ट सोयल की, तो ये एवरेज होते हैं, ना तो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसके, ना ही बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो साइज़ है, जो स्पेस है इनके बीच में, ना तो बहुत ज़्यादा होगा ना ही बहुत कम होगा, ठीक है। अब हमने ये साइज़ की बात कर ली, सोयल के पार्टिकल्स के साइज़ के आधार पे इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। अब सोच के देखिए, अगर हम परकोलेशन की बात करें, अगर हम परकोलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम इनके अंदर पानी डालें, इन सोयल की, तीनों तरह की जो सोयल है उसके अंदर पानी डालें, तो कैसे पानी इसके अंदर काम करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें सैंडी पार्टिकल्स की, तो सैंडी के पार्टिकल्स जो थे, सैंडी सोयल जो थी, पार्टिकल्स दूर दूर है, पार्टिकल्स दूर दूर है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप जैसे ही पानी डालेंगे ये रोकेगा नहीं उस पानी को, सारा पानी नीचे चला जाएगा, सारा पानी नीचे पेनिट्रेट हो जाएगा, इन केस ऑफ सैंडी सोयल। लेकिन अगर आप क्ले की बात करोगे तो पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं कि वो पानी को नीचे जाने ही नहीं दे रहा, ऊपर ही वाटर लॉगिंग कर देगा, ऊपर ही वाटर लॉगिंग कर देगा, ये आप इमेजिन भी कर सकते हो इन चीज़ों को। और अगर हम सिल्ट साइज की बात करें या लोमी सोयल की बात करें, तो इसका नेचर कैसा होगा, अगर आप पानी इसके अंदर डालेंगे तो वो धीरे धीरे पेनिट्रेशन कर रहा है, मीन्स जितनी भी क्रॉप्स इसके अंदर हैं वो वाटर के मिनरल्स को ले सकती हैं, क्योंकि एकदम से नीचे भी नहीं गया, और ऐसा नहीं है वहीं पे ही इकट्ठा करके रख दिया क्ले की तरह, नीचे जाने ही नहीं दे रहा पानी को। तो जो लोमी सोयल है उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है इट इज़ एवरेज एंड गुड। क्ले क्या है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, पानी नीचे जाएगा नहीं, और सैंड साइज के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस है कि पानी फटाक से नीचे चला जाएगा और क्रॉप्स को पूरा पानी नहीं मिल पाएगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम है सैंड सोयल की। इन चीज़ों को हमने समझा। अब इस बेसिस पे अगर हम तीनों को क्लासीफाई करें, सैंड का पार्टिकल साइज बड़ा है, लोमी सोयल का इंटरमीडिएट है, क्ले का बहुत स्मॉल है पार्टिकल साइज, इंटरसेल्यूलर स्पेस या मैं कहूँ इंटर पार्टिकल स्पेस सैंड का बिग है, लोम का इंटरमीडिएट है, और क्ले का बहुत कम है स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। परकोलेशन की बात करें, सैंडी सॉयल में बहुत फास्ट है, लोम में एवरेज है, और क्ले में बहुत कम है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, ठीक है। और वाटर रिटर्निंग कैपेसिटी सैंड की बिल्कुल जीरो है, लोम की गुड है, जिसकी वजह से क्रॉप्स के लिए बेटर है लोमी सॉयल, ना तो क्ले सोयल बेटर है क्रॉप्स के लिए, ना ही सैंडी सोयल बेटर है क्रॉप्स के लिए। हमने सोयल का क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है।
अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सॉइल को इफेक्ट करती है? टेम्परेचर, डेजर्ट के अंदर देखिए आप क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, वहां की सॉइल जो है वो एसिडिक मिलेगी, सॉइल जो है एसिडिक मिलेगी, ड्राई मिलेगी, बहुत ज्यादा सूखी हुई मिलेगी, शुष्क शुष्क मृदा मिलेगी, ड्राई सॉइल मिलेगी, अरीड सॉइल जिसको कहते हैं, ठीक है। रेनफॉल की अगर हम बात करें, रेनफॉल अगर बहुत ज्यादा है कहीं पे, बहुत ज्यादा रेनफॉल है तो वहां पे स्वैम्पी लैंड मिलेगा, मतलब उस सॉइल के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या पाएगी, ठीक है, जैसे वेटलैंड। विंड की अगर आप बात करोगे, कहीं पे अगर तेज विंड है, स्पीड ज्यादा है विंड की, स्पीड ज्यादा है तो वहां पे वाटर सॉरी सॉइल इरोजन की समस्या ज्यादा हो सकती है। ह्यूमिडिटी की बात करें, ज्यादा ह्यूमिड है तो मतलब उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट अच्छा होगा, ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर ह्यूमस कंटेंट अच्छा बना देगा सॉइल में, और लाइट भी सॉइल को इफेक्ट करती है। ये कुछ फैक्टर इफेक्टिंग है जो सॉइल को इफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स। अब हमें क्या समझना है जो इस चैप्टर में है, जो आज तक हमने नहीं पढ़ा है? अब जो लाइट है, हमने सॉइल को देख लिया, सॉइल कैसे इफेक्ट कर रही है, कैसी प्लांट की ग्रोथ होगी और कैसे सॉइल प्लांट को या वेजिटेशन को इफेक्ट करती है। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड एबायोटिक फैक्टर, दैट इज लाइट। लाइट आपको पता है, लाइट इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए भी, हमें भी सनलाइट चाहिए और प्लांट्स को भी सनलाइट चाहिए, हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, साथ में ना केवल फोटोसिंथेसिस लेकिन प्लांट्स को फोटोपीरियोडिज्म के लिए भी, फोटो पीरियड के लिए भी सनलाइट की ज़रूरत है। क्या होता है फोटोपीरियडिज्म? ये कोई सन है मान लीजिए, ये कोई फ्लावर है मान लीजिए, सन की डायरेक्शन के साथ साथ जैसे मूव करेगा, सन की डायरेक्शन सनलाइट के हिसाब से जैसे खुद के अंदर एक्टिविटी कर रहा है, इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टुवर्ड लाइट, लाइट के रिस्पेक्ट में किस तरीके से प्लांट और एनिमल रिस्पोंड कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, आप देख रहे हैं ये फ्लावर है, यहाँ पे इसको लाइट मिल रही है, यहाँ पे लाइट नहीं मिल रही, और दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस पाएगा, दोनों की ग्रोथ में डिफरेंस पाएगा अकॉर्डिंग टू देयर लाइट, इसको कहते हैं फोटो पीरियोडिसिटी। और कितने टाइम तक लाइट रह रही है, कितने टाइम तक, कितने घंटों तक सूर्य का प्रकाश या प्रकाश पौधों को मिल रहा है, उस बेसिस पे तीन तरीके से प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है, उस तरीके से प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। इससे पहले मैं आप जल्दी से सब कुछ वाइंड अप कर दूं, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, व्हाट इज इकोसिस्टम हमने देखा, फिर लेवल देखे थे जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को देखा, पॉपुलेशन को देखा, पॉपुलेशन के बाद हमने कम्युनिटी को देखा, कम्युनिटी क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था कि व्हाट इज बायोम एंड बायोस्फीयर। इसके बाद हमने ये देखा कि हैबिटेट को कौन कौन सी चीज़ें डिसाइड करती है, हैबिटेट के आधार पे, फूड के आधार पे, मेटिंग एक्टिविटी के आधार पे, सभी ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, हैबिटेट को कौन कौन प्रभावित कर रहा है, कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को प्रभावित कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर दो चीज़ें पढ़ी हमने, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। फिर हमने देखा सॉइल कैसे प्लांट वेजिटेशन को इफेक्ट करती है, तीन तरीके की सॉइल हमने देखी, सैंड सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। फिर हम लोग अब देख रहे हैं कि लाइट के आधार पे, लाइट की पेनिट्रेशन के आधार पे कैसे प्लांट्स और एनिमल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, और न्यूट्रल डे या डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनको आप देखिए, शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन अ पीरियड ऑफ डार्कनेस एक्सीड्स अ क्रिटिकल नाइट लेंथ। मतलब ये ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे कब, जब उन्हें कम लाइट मिलेगी और डार्कनेस के अंदर रहने का ज्यादा मौका मिलेगा। ऐसे प्लांट जो जिनको डार्कनेस के अंदर ही अपने फ्लावर को प्रोड्यूस करना होता है, ऐसे प्लांट्स जो ज़्यादा डार्कनेस मिलने पे अपने फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, मतलब डे लाइट जो है उनके लिए शॉर्ट रिक्वायरमेंट है। लॉन्ग डे प्लांट, ये ऐसे प्लांट हैं जो कम डार्कनेस के अंदर, जो कम डार्कनेस के अंदर अपने प्लांट को, अपने फ्लावर को ग्रो करते हैं, यानी जो लॉन्ग डे, जिनको लाइट ज़्यादा चाहिए फ्लावर को ग्रो करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके फ्लावर की प्रोडक्शन, जिनके फ्लावर का जन्म जो है वो लाइट पे डिपेंड करता ही नहीं,
वो फेज के अकॉर्डिंग चलते हैं, फेज वाइज चलते हैं, उनको लाइट की जरूरत नहीं होती, जिसे हम क्या कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, जैसे एप्पल, जैसे कैबेज, जैसे कोन, पियर्स, टमाटो, ये कैसे है? लाइट है या नहीं है, ये अपने हिसाब से अपने फ्लावर्स ग्रो करेंगे। शॉर्ट डे कैसे है? जो लॉन्ग नाइट, जिनको लॉन्ग डार्कनेस चाहिए फ्लावर ग्रो करने के लिए, जैसे कुकुम्बर, बीन्स, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये शॉर्ट डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट कौन से होंगे? जिनको ज्यादा चाहिए, जो आप देख सकते हैं डे लाइट ज्यादा चाहिए जिनको, जैसे बीट्स, कैरेट्स, डिल्स, फेनल्स, रेडिश, पोटैटो, पीज, अनियन, ये सब क्या है? लॉन्ग डे प्लांट्स है। उम्मीद करती हूँ लाइट के आधार पे आपने प्लांट्स को तीन कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करना सीख लिया। अब एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? लाइट का एनिमल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे? उनकी मूवमेंट, उनका रिप्रोडक्शन, मेटिंग एक्टिविटीज और एनिमल की एक्टिविटीज, वो कब एक्टिव है, लाइट के हिसाब से डिसाइड होता है। पॉजिटिव फोटोटैक्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल जो लाइट की टुवर्ड्स, जो लाइट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और लाइट के अंदर ज्यादा एक्टिव दिखते हैं, जैसे युगलीना, ये आप देख रहे हो युगलीना, ये ऐसा है जो सनलाइट के अंदर ज्यादा एक्टिव रहता है युगलीना। और जो नेगेटिव फोटोटैक्टिक एनिमल्स होते हैं, जिनको सनलाइट की जरूरत नहीं है, जिनको लाइट से दूर भागना है, जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लाइट से दूर जाते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? नेगेटिव फोटोटैक्टिक एनिमल। युगलीना इज पॉजिटिव फोटोटैक्टिक एनिमल। ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन के अंदर भी इफेक्ट डालता है लाइट। कुछ ऐसे हैं जिनको मेटिंग करने के लिए, जिनको रिप्रोड्यूस करने के लिए लाइट की ज्यादा जरूरत होती है, कुछ ऐसे हैं जिनको डार्कनेस की जरूरत होती है। अब देखो ये कुछ नेम है एनिमल्स के ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, वो कैसे एक्टिव रहते हैं, कब वो डोरमेंट हो जाते हैं। डायूरनल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो दिन में एक्टिव रहते हैं, दिन में एक्टिव रहेंगे, रात को सो जाएंगे, डायूरनल एनिमल। नॉक्टर्नल एनिमल कौन से होते हैं, या जिसको नॉक्टर्नल एनिमल कहते हैं? ये ऐसे होते हैं जो रात में, नाइट में एक्टिव रहते हैं और दिन में सोते हैं, लाइक आउल, उल्लू जिसे कहते हैं। और ऑरल एनिमल कौन से होते हैं? जो डॉन के टाइम पे, डॉन के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, मतलब अर्ली, जब सन राइज कर रहा है, जब सन राइज कर रहा है, अर्ली सनराइज के टाइम पे जो एनिमल एक्टिव रहते हैं उन्हें ऑरल एनिमल कहते हैं। और ऐसे एनिमल जो डस्क के टाइम पे, मतलब जब सूर्य छिप रहा है, जब सन सेट हो रहा है, उस टाइम पे जो एक्टिव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेस्पिरल एनिमल। ये कौन से एनिमल हैं? डायरेक्टनल एनिमल, जो डे के दौरान एक्टिव रहेंगे। नॉक्टर्नल एनिमल कौन से हैं, या नॉक्टर्नल एनिमल कौन से हैं? जो नाइट के दौरान एक्टिव रहेंगे, जैसे आउल। और ओरल एनिमल कौन से हैं? जो सनराइज के दौरान एक्टिव रहते हैं, जैसे आप देखते हैं पीकॉक। वेस्पिरल एनिमल कौन से हैं? जो डस्क के दौरान, जब सनसेट हो रहा है, उस समय जो एक्टिव रहते हैं, जैसे रैबिट, ठीक है। लाइट के आधार पे इस तरीके से एनिमल को चार कैटेगरी के अंदर बांटा है। आप देख सकते हो जो रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में सोते हैं, कैसे, कौन कौन से हैं ये? स्कॉर्पियंस हैं, कॉकरोच हैं, बैट्स हैं, चमगादड़ जिन्हें कहते हैं, ठीक है, ग्रे वुल्फ है, ये सब कैसे हैं? जो रात में एक्टिव रहेंगे और दिन में सो जाएंगे। जो दिन में एक्टिव रहेंगे, रात को सोएंगे, वो कैसे हैं? हॉर्स, ठीक है, जैसे चिम्पैंजी, जैसे अमेरिकन रॉबिन, डॉल्फिन्स, फैल्कन, शीप, ज़ेब्रा, स्क्विरल, ये सब कैसे हैं? जो दिन में तो काम करेंगे और रात में सो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखे अलग अलग आधार, लाइट कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, हमने देखा टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, सोयल कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, लाइट कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। नाउ लेट अस मूव टू कि वॉटर कैसे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। बैट आप देखेंगे शाम में एक्टिव होते हैं, अंधेरे में एक्टिव होते हैं, जो रात में एक्टिव होते हैं और दिन में सो जाते हैं। वाटर कैसे इफेक्ट डाल रहा है, वाटर कैसे इफेक्ट डाल रहा है? देखो वाटर आपको पता है एनिमल्स और प्लांट्स सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है? हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, वॉशिंग के लिए, प्लांट्स को जरूरी है, जितने भी एनिमल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस लैंड पे रह रहे हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है। आप देखेंगे मार्स पे भी पानी ढूंढा जा रहा है,
अगर मार्स पे पानी मिल जाता है तो वहां पे जीवन की संभावना हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर लाइफ की एग्जिस्टेंस देखनी है तो वहां पे वाटर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, कैसे भी हो, पानी की जरूरत सबको है, ठीक है। और पानी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से वाटर स्कार्स होता जा रहा है, ठीक है। और मैंने बताया भी था आपको जो पहले बिल्कुल पानी रहित जो सिटी घोषित कर दी है वो कौन सी थी, चेन्नई। अब देखो वाटर के अंदर सैलिनिटी होती है, अलग अलग पानी सॉल्ट कंटेंट के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। फ्रेश वाटर कौन सा होता है, जिनके अंदर 5 PPT से कम सॉल्ट होता है, ये मैं शंकर IAS एनवायरनमेंट सीरीज में भी करवा चुकी हूँ। ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है, जिसमें 5 PPT से साल्ट कंटेंट ज्यादा होगा लेकिन 35 PPT, आप कह सकते हैं 30 PPT से सॉल्ट कंटेंट कम होता है। सलाइन वाटर कौन सा होता है, जो 35 PPT से 50 PPT तक सॉल्ट कंटेंट होता है। और ब्राइनी वाटर कौन सा होता है, जिसमें 50+ प्रेजेंटेशन होता है, 50+ पार्ट्स पर मिलियन जो सॉल्ट का कंटेंट है वो होगा। तो सबसे फ्रेश वाटर के अंदर सबसे कम साल्ट का कंटेंट, ब्रैकिश वाटर में उससे ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट, सलाइन में ब्रैकिश से ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट और ब्राइनी वाटर के अंदर इससे ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट। तो सॉल्ट कंटेंट के आधार पे पानी को अलग अलग कैटेगराइज किया जा रहा है, ठीक है। अब इस सैलिनिटी के आधार पे, वाटर सैलिनिटी के आधार पे अलग अलग अक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। हमने टेम्परेचर के आधार पे यूरी थर्मल और स्टीनो थर्मल कैटेगराइज किया था। इसी तरीके से सॉल्ट कंटेंट के आधार पे हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, यूरी, हेलाइन, हेलाइन मीन्स सॉल्ट और यूरी मीन्स वाइड, और स्टीनो हेलाइन। स्टीनो मीन्स मैंने आपको बताया था नैरो, और हेलाइन मीन्स सॉल्ट, नाम से समझ आ ही गया होगा। यूरी हेलाइन कौन से हैं, जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट पानी के अंदर टॉलरेट कर सकते हैं। मीन्स ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको चाहे आप फ्रेश वाटर में रख दो, जिनको आप ब्राइनी वाटर में रख दो, इनकी जो टॉलरेशन है, कैपेसिटी जो है टॉलरेट करने की सॉल्ट को, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे सैल्मन, ये एक फिश है, जैसे टूना फिश जो है, टूना फिश ये कैसी है, जो बहुत कम टेम्परेचर में भी रह सक जो बहुत कम सलाइन वाटर में भी रह सकती हैं और जो बहुत ज्यादा सलाइन वाटर के अंदर भी रह सकती हैं, ठीक है। टूना फिश सॉरी स्टीनो हेलाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैल्मोन जो है वो यूरी हेलाइन है। चाहे आप इसको फ्रेश वाटर में ले जाओ, चाहे आप इसको ब्राइनी वाटर में ले जाओ, ये एग्जिस्ट कर लेगी। स्टीनो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, नैरो रेंज मतलब ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो बहुत कम रेंज के अंदर रह सकते हैं, जैसे गोल्ड फिश। गोल्ड फिश 10 to 15 PPT सॉल्ट के अंदर ही रह सकता है। अगर आप इसको ब्रैकिश में ले गए तो इसकी डेथ हो जाएगी, मतलब इनके अंदर टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। बहुत नैरो रेंज के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, स्टीनो हेलाइन। यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, यूरी थर्म, स्टीनो थर्म, ठीक है। थर्म मीन्स टेम्परेचर, हेलाइन मीन्स सॉल्ट, दोनों का मतलब सेम है। स्टीनो हेलाइन का एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, येलो फिन टूना, ये कैसी है, स्टीनो है। मींस इसको अगर आप बहुत ज्यादा ब्रैकिश वाटर में ले गए तो इसकी भी डेथ हो जाएगी। बहुत नैरो टॉलरेशन कैपेसिटी होती है इनकी सॉल्ट कंटेंट के साथ। जिस नेचर में, जिस सॉल्ट कंटेंट में वो रह रहे हैं, वो उतने में ही रहेंगे, कम ज्यादा होते इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। हमने समझ लिया कि वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉयल कैसे एनिमल को, कैसे प्लांट की लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे एनिमल एंड प्लांट की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, ये हमने देख लिया। नाउ लेट अस मूव टू अडेप्टेशन एंड होम्योस्टेसिस। ये क्या है अडेप्टेशन एंड होम्योस्टेसिस, क्या है अडेप्टेशन? अडेप्ट का मतलब होता है खुद को ढालना। अब इंसान है, ये विंटर सीजन के अंदर भी रह रहा है, ये समर सीजन के अंदर भी रह रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस में भी रह रहे हैं हम, 43 डिग्री सेल्सियस में भी हम रह रहे हैं। जब 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हम हमारी बॉडी को कवर कर लेते हैं स्वेटर से। हमारी बॉडी कुछ खुद ना खुद मेंटेनेंस करती है। जैसे आप देखेंगे आपकी बॉडी पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना, गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे जिन्हें कहते हैं। वो रोंगटे क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर एक शीट कवर कर देते हैं, एक शीट बना देते हैं इंसुलेशन की, जो हमारी बॉडी को वार्म करने में मदद करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बहुत कम होता है, हम कांपने लग जाते हैं, शिवर करते हैं हम। वो शिवरिंग भी क्या करती है, हमारी बॉडी को गर्म करने में मदद करती है, इंसुलेशन का काम करती है।
ठीक है, तो इंसान एग्जिस्ट कर रहा है विंटर सीजन में भी, समर सीजन में भी। समर सीजन में आप क्या देखेंगे, आपको स्वेट आएगा, आपको स्वेट आने लगता है, और जैसे ही बॉडी से स्वेट निकलता है हमको कूल फील होता है, मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर, हम खुद को अडेप्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो अडेप्टेशन के साथ ही एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंट रखना। इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंट रखने का मतलब क्या है? इंसान है, इंसान क्या कर रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, दैट इज ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस। अब बाहर चाहे जनवरी का महीना हो चाहे जून का महीना हो, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है ये यही रहेगा अगर हम हेल्दी हैं तो। अगर हेल्दी नहीं है तो इट में इंक्रीज अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है जब हम कह देते हैं हमें फीवर हो गया है, ठीक है। तो अंदर के टेम्परेचर को, अंदर के एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को, बॉडी को, इंटरनल बॉडी को मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब कुदरत ने या जीन्स ने हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक ऐसे फंक्शंस डाले हुए हैं जो हमारी अंदर की बॉडी को कॉन्स्टेंट रखता है, इंटरनल हमारी एक्टिविटीज को कॉन्स्टेंट रखता है। जैसे एक्सटर्नल भूल जाओ एक बार, इंटरनल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप आजकल सबके घरों के अंदर शुगर टेस्ट करने का किट होगा, शुगर को टेस्ट करते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, आप देखेंगे एक फास्टिंग का शुगर चेक किया जाता है और एक खाना खाने के बाद शुगर चेक किया जाता है, मतलब वो उसे क्या कहते हैं, रैंडम शुगर। सुने होंगे आपने ये दो शब्द कि एक को कहते हैं रैंडम शुगर कितनी है तुम्हारी और फास्टिंग की शुगर कितनी है, सुना होगा उम्मीद करती हूँ ये शब्द। रैंडम क्या होता है, जब आप खाना खाने के बाद अपना शुगर मेजर करोगे, फूड को लेने के बाद अपना शुगर मेजर करोगे, तो आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ मिलेगा। और फास्टिंग के दौरान, मतलब जब कुछ नहीं खाया आपने, आप खाली पेट हैं, उस समय जब आप अपनी बॉडी का शुगर मेजर करेंगे तो आपके ग्लूकोज का लेवल कम पाएगा, ये ऑटोमेटिक होता है, ये ग्लूकोज का लेवल कम होगा। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हमने खाना खाया हमारा ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया, तो हमारी बॉडी को पता लग गया कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा जिससे ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, होम्योस्टेसिस हो जाए। तो हमारी जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, जो हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड है वो क्या करेगी, वो इंसुलिन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देगी, इंसुलिन सिक्रेशन स्टार्ट कर देगी। इंसुलिन क्या है, एक हॉर्मोन है, ठीक है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, इंसुलिन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देगी। और ये इंसुलिन क्या करेगा, हमारे ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस कर देता है, इंसुलिन का फंक्शन है टू रिड्यूस ग्लूकोज लेवल। तो मतलब क्या किया, हमारी बॉडी ने खुद ही अडेप्ट कर लिया हमारे इंटरनल टेम्परेचर को, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। इसी तरीके से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाहर, जब टेम्परेचर हाई है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी स्वेट निकालने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है हमें, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है बाहर, बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर है बाहर, तो हमारी बॉडी शिवर करने लग जाती है, कांपने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमें हीट का महसूस होता है, हीट टेम्परेचर महसूस होता है हमें, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, स्वेटिंग, शिवरिंग, ब्लड शुगर, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, हमारी बॉडी है, आपने रिफ्लेक्स एक्शन सुना होगा, क्लास टेंथ में रिफ्लेक्स एक्शन आपने ज़रूर सुना होगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सकें, क्योंकि टेंथ तक बायोलॉजी सबने पढ़ी होगी, सबके सेम था, तो उन्हीं चीज़ों के कंसेप्ट मैं आप लोगों को उठा के समझा रही हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, हमारी बॉडी नहीं चाहती कि हमें कुछ बाहर से स्टिमुलस मिले। जैसे ही हमें बाहर से कोई स्टिमुलाई मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कांटे पे पाँव आ जाए, आपका कांटे पे पाँव आ जाए, आपका बॉडी एकदम से, आपका ब्रेन मैसेज करेगा कि अपने पाँव को हटा लो। तो मतलब क्या हो रहा है, हम अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहते, और क्या करते हैं हम, उसको मेंटेन करने के लिए कुदरती हमारे अंदर ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, ऐसी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि मेंटेन कर लेते हैं हम। इस मेंटेनेंस को क्या कहा जाता है, होम्योस्टेसिस। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो होम्योस्टेसिस नहीं कर पाते, ठीक है, उनका अडेप्टेशन, सबका अडेप्टेशन अलग अलग होता है, सबका अडेप्टेशन अलग अलग है। आप देखेंगे इंसान का ब्लड प्रेशर, वाटर बैलेंस, ब्लड पीएच, टेम्परेचर, ये सारा कांस्टेंट रहता है, और जैसे ही कम ज़्यादा हो जाता है एक हेल्दी बॉडी के अंदर, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो वापस से इसको रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो और कौन कौन से तरीके हैं अडेप्टेशन के,
कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रेगुलेट कर लेते हैं, जो कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे हम कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कन्फर्म करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सस्पेंड करते हैं। तो ये चारों शब्द क्या है, क्या इनका मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन, कन्फर्म, माइग्रेट, सस्पेंड, इसको हम समझते हैं। अडेप्टेशन बाय रेगुलेशन। मैमल्स एंड बर्ड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रेगुलेशन करते हैं, रेगुलेशन करके अडेप्ट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दो तरीके का रेगुलेशन होता है, ओस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। ओस्मो बिलोंग्स टू ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, आरओ लगता है आपके, आरओ, आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस मतलब जहां भी ओस्मोसिस शब्द आ रहा है, इट मींस वाटर कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है, ओस्मोसिस रिलेट्स विद वाटर। अब देखो, तुम अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर का अमाउंट है उसे रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना, उसे मेंटेन करना क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन। इंसान की बॉडी में किडनी है, आपको पता है हम पानी पिएंगे, हमारी बॉडी से कुछ सॉल्ट, कुछ यूरिन बाहर निकल जाएगा, मतलब कुछ लिक्विड बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर को रेगुलेट रखना है, किडनी वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सेम वे फिश के अंदर गिल्स है जो वाटर के अमाउंट को मेंटेन कर रही है इनसाइड द बॉडी ऑफ फिश। तो ओस्मो रेगुलेशन क्या है, वाटर के कंटेंट को, वाटर अमाउंट को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मेंटेन रखना इनसाइड बॉडी, उसे क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। इसी तरीके से थर्मो रेगुलेशन क्या है, थर्म बिलोंग्स टू टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन क्या है, जब बॉडी के अंदर टेम्परेचर को हम मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनिंग टेम्परेचर इनसाइड अ बॉडी, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए, हमारी बॉडी गूजबम्स निकालने लग जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, शिवरिंग करने लगते हैं हम, कांपने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है। अब देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म रेगुलेट नहीं कर पाता है। क्यों हर एक ऑर्गेनिज्म रेगुलेट नहीं कर पाता है, बिकॉज हमें इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, हमें शिवर करने के लिए, हमें स्वेट निकालने के लिए अपनी बॉडी से, हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ होती है रेगुलेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म उतना एनर्जी यूज़ नहीं कर पाता है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म रेगुलेशन नहीं कर पाता है। तो वो क्या करते हैं, वो कन्फॉर्म करते हैं, वो सस्पेंड करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो कन्फॉर्म क्या है, कन्फॉर्म जो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कन्फॉर्मर, कन्फॉर्मर कहा जाता है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप देख रहे हैं फिश, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, इन्हें क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मैंने शंकर आईएएस की सीरीज में भी आपको बताया था, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो हैं जो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से खुद के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। बाहर सर्दी तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, बाहर गर्मी तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म हो रहा है। लेकिन इंसान कैसा है, वार्म ब्लडेड है। ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है। बाहर सर्दी है चाहे गर्मी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो जो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं वो कन्फॉर्मर कहला रहे हैं, इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म लाइक ओस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। लेकिन अब जीना तो इनको भी है, जीना तो इन्हें भी है, टेम्परेचर बाहर सडन एकदम चेंज हो जाता है, ये कैसे जिएंगे, ये अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, ये अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। लेट अस से बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, बाहर टेम्परेचर एकदम से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिड्यूस हो गया, ये क्या करेंगे, ये सन की रेज में आ जाएंगे, सन रेज, सन इनकी हेल्प करेगा इनकी बॉडी को गर्म करने में, ठीक है। अब मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मीन्स इनकी बॉडी से हीट लॉस होता जा रहा है, इनकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये क्या करेंगे, उस समय लेजी हो जाते हैं। लेजी हो जाते हैं मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे ताकि इनकी बॉडी से एक्सेस एनर्जी बाहर ना जाए और इनको और ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो इस तरीके से खुद को बचाने के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफेक्ट को कम करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कन्फॉर्मर कहते हैं। इनका फ़ायदा क्या है कि इनका मेटाबॉलिक कॉस्ट कम होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से खुद रिलाय करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इनके जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे ही एकदम बाहर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है इन पे इफेक्ट पड़ने लग जाता है, और पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर ही रह सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे इंसान बहुत गर्मी में भी रह लिया, बहुत सर्दी में भी रह लिया, ये पर्टिकुलर ऐसे एनवायरमेंट में रहेंगे जो इनकी बॉडी के लिए सूटेबल होता है। ये हमने कन्फर्म पढ़ लिया, कन्फॉर्मर क्या है, कोल्ड ब्लड एनिमल क्या है।
रेगुलेट क्या होता है, कन्फर्म क्या होता है, ये हम देख चुके हैं. वट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेट एंड सस्पेंड, इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई होंगी. सौरव बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं, वेरी गुड सौरव, हर चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हो. आपने, आप बायो के स्टूडेंट हैं, अच्छी बायो है आपकी. मुझे हर स्टूडेंट का ध्यान रखना है, कॉमर्स के स्टूडेंट भी मेरे साथ जुड़े हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैथ स्टूडेंट भी जुड़े हैं, तो मुझे मेरी भाषा बहुत सिंपल रखनी होती है जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है. और वो सब कुछ कवर हो जाएगा जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप लोग आसानी से, बहुत आसानी से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. और मैं आपको एक सजेशन ये भी दूंगी, प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस. इकोनॉमी का हो वो, चाहे शंकर आईएएस वाला हो, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, बायोलॉजी के क्वेश्चन हो, प्लीज़ स्टार्ट कीजिए एमसीक्यू प्रैक्टिस, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, ताकि आपको पता लग सके कि मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है गाइस. एनवायरनमेंट की सीरीज में आगे बढ़ते हैं. एनवायरनमेंट की जो सीरीज़ है उसमें हम, जो हमारा, बता दूं मैं आपको, जो शंकर आईएएस एनवायरनमेंट की सीरीज़ है उसमें हमारे एक या दो चैप्टर रह गए हैं जिसमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे हम पहुंच गए, यानी लास्ट चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं. उसके बाद कुछ शब्दावली है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगी, वो एनवायरनमेंट की सीरीज़ मॉर्निंग में चलती रहेगी 8 से 9. ये बायोलॉजी की सीरीज़ क्लास प्लस टू की, ताकि आपको एनवायरनमेंट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ये हम दिन में चला रहे हैं 12:30 बजे, ठीक है गाइज. इसको शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.